आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के रद्दी चौकी स्थित क्षेत्रीय पार्षद अब्दुल शफीक हीरा के नेतृत्व में विशाल रूप से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नु भैया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद अब्दुल शरीफ हीरा ने की। इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड एवं अन्य जनहित की योजनाओं के कार्ड बनाकर आम जनता को भेंट किए गए। इस अवसर पर पार्षद अब्दुल शफीक हीरा ने कहा कि हर वर्ष क्षेत्र के बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू वार्ड में माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो कार्य किया गया था 6 महीने में, वो कार्य दिखाया गया है और हमारे पूरे समाज के जिम्मेदार लोग सबको यहाँ उपस्थित हैं। लगभग हमने माननीय महापौर के माध्यम जी से और काम करने के तरीके से 650-700 लगभग मजदूरी कार्ड बनाए गए हैं, जिनका उन गरीब परिवारों को राशन पहुंचने का काम हो जाएगा। लगभग 1500-1600 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को जो गरीब बस्तियां हैं हमारे यहाँ, 70% मोतीलाल नेहरू वार्ड में गरीब बस्ती है, तो उनको इलाज का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ जो है, मैंने लगभग 2 से 2.5 महीने पहले पोर्टल खुला आवास योजना का, मैंने 250 आवास योजना के पक्के मकान बनाने के लिए मैंने फॉर्म भरे हैं, जो महापौर जी के निर्देश अनुसार मैंने काम किया है। और बस यही चाहता हूँ कि पब्लिक का काम होता रहे। और खुशी की बात यह है कि मैंने मोतीलाल नेहरू वार्ड के साथ साथ मैंने 5 अन्य वार्डों में काम और किए हैं। जाकिर हुसैन वार्ड हो, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड हो, शास्त्री वार्ड हो, टक्कर ग्राम वार्ड हो और संजय गांधी वार्ड हो, इनका भी मैंने पूरा काम मिलके मैंने किया है। और जो लोगों को आज मैं वितरित कर रहा हूँ, ये 5 वार्डों के लोगों को मैं सामग्री वितरित कर रहा हूँ, जो उनके काम के लिए, उनके योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए जो मैंने काम किया है, वो माननीय आज महापौर जी को बुलाया था। और पार्षद शफीक हीरा, पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में हमारे पार्षद हीरा साहब ने पार्षद बनने के बाद से ही आम जनता को योजनाओं का कैसे लाभ मिले उस पर बहुत ध्यान दिया। बहुत आवश्यक होता है कि हमारी जो शासकीय योजनाएं होती हैं वो घर घर पहुँचे, उसको लेकर उन्होंने कैंप लगाकर लोगों के घर जाकर बाकायदा रजिस्टर में मेंटेन करके, चाहे बात आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे बात श्रमिक कार्ड की हो, चाहे बात गरीबी रेखा के कार्ड की हो और चाहे बात आवास योजना की हो, और जो क्षेत्र में विकास की बात है उसको लेकर भी बहुत संजीदा है वो और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आज उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान भी किया, उसके साथ उन्होंने ये कार्डों का वितरण भी किया, सैकड़ों की संख्या में लोग इससे लाभान्वित हुए, पूरे क्षेत्र में विकास के लिए वो संकल्पित है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे इस बार के जो पार्षद साथी हैं नगर निगम में जो आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो संकल्पित हैं और लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। यही चाहिए है, अगर हम सब मिलकर जबलपुर शहर को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा जबलपुर शहर महानगर बनेगा और बदलाव दिखने लगा है, जबलपुर शहर महानगर की ओर बढ़ने लगा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।